अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल एमआर गोड्स हैदराबाद। फिर एक नए लोकेशन के साथ आप लोग के साथ हाजिर हूँ। ये देख रहे इमरान भाई एक साहब के पास लाए मेरे को। अस्सलामुअलैकुम साहब। वालेकुम सलाम। आपका नाम? खान मोहम्मद। कहन मोहम्मद? खान मोहम्मद। अच्छा माशाल्लाह। ये सूजत नस्ल की जो बकरियाँ हैं माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी की आपने रखी है, मैंने देखा हूँ, तो इंशाल्लाह व्यूअर्स को भी बताएंगे। तो कब से शौक़ है आपका? ये तकरीबन 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। तो ये अच्छी चीज़ की परख कहाँ से मिली साहब? अच्छी चीज़ तो हम सोच से लाते थे। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा माल सोच से जाके लाते थे। अच्छा अच्छा, वहीं से मिली। अच्छा, तो माशाल्लाह आपका शौक दिखाएंगे और इंशाल्लाह जो सेल के लिए जो बेचने वाली चीज़ है वो भी दिखाएंगे इंशाल्लाह लोगों को। चलो आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ेगी। खोलिए आपका बाड़ा। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या नगीन है भाई। गुलाबी का तो खौदा न्याय लग रहा है। हाँ हजरत। हाँ माशाल्लाह। तो ये बड़ी बड़ी बकरियाँ कितनी हैं आपके पास? 6 बकरी बड़ी है। हाँ जी हजरत, आप बकरियों को क्या खिलावाते हैं? बकरी को जौ जी, गेहूँ जी, चने जी, गुड़ और तेल जी। जी तेल कुछ किस चीज़ का तेल? तिल का तेल। तिल का तेल। अच्छा, तिल के तेल से क्या फ़ायदे? तिल के तेल से एकदम कपड़ी इनकी एकदम चमकीन आती है। हाँ माशाल्लाह, बहुत आपके जानवर बहुत शाइनिंगदार भी है, चमकदार भी, अच्छे गुलाबी फीमेल से। अच्छा अच्छा, ये पालने के बाद कौन आके लेके जाते हैं यहाँ से? आती रहती है पार्टियाँ, जैसा मैं हैदराबाद से आया हूँ। हाँ हैदराबाद से, गुजरात से, महाराष्ट्र से। जी 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 माशाल्लाह, तो बहुत अच्छी नस्ल के बकरियाँ आपने रखी है। तो इंशाल्लाह इनके ऊपर जो ब्रीडर आप इस्तेमाल करते वो ब्रीडर भी दिखाएंगे हम लोग ठीक है। और जो सेल के जानवर है आप वो अंदर कर दें तो हम लोग वो लोगों को दिखा देंगे कि बेचने वाला माल क्या है इसके अंदर से। तो ये आपके भाई जो बकरियाँ हैं, जो बड़ी 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 बकरियाँ, ये कितने बच्चे डालती है आपकी बकरियाँ? ये तो कोई बकरी 3 डालती है, कोई 2। 3 डालने वाली कौन है और 2 डालने वाली कौन है ये बता दे जरा एक बार। ये 3 वाली, ये वो बड़ी बकरी 3 वाली, बाकी सब। अच्छा ये 3 डालती है। 3 डालती है। अच्छा माशाल्लाह, बड़ी फ्रेम भी अच्छा है। ये भी तो है। कौन? अच्छा ये 3 डालती है और ये बकरी बाकी 2-2। अच्छा ये 2-2 डालने वाली बकरियाँ हैं। तो ये जो 3 डालने वाली बकरी है तो इसका कोई प्रेजेंट है, कोई रिकॉर्ड है क्या आपके पास अभी जो बच्चे दिए? ये है ना, एक ये है। कौन सी है? 3 इनके पीछे। अच्छा 3। अच्छा ये 3 बच्चे इसके, एक ये 2 और एक वो दो। कौन सी? अच्छा माशाल्लाह, ये अच्छा ये 3 बच्चे ये माँ का। हाँ माशाल्लाह। अच्छा ये 3 बच्चे इसके। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी क्वालिटी के। चलो इंशाल्लाह जो बेचने वाला माल हो तो वो बाड़े में कर ले तो इंशाल्लाह अपन लोग फिर आप लोग का प्राइस के साथ बता देते लोगों को, ठीक है। तो ये जो नस्लें हैं मैं फिर भी एक बार पूछ लेता हूँ, क्या रेट से क्या रेट तक बिक जाती है बकरियाँ? ये 30 से 50 तक। अच्छा 40,000-50,000। 30,000 रुपये से इनकी रेंज है? हाँ 3 से नीचे नहीं, 30 से नीचे नहीं। अच्छा 30,000 रुपये से नीचे नहीं बिकती है। तो माशाल्लाह ये खूबी क्या है इतना जो प्राइस आप लोग जो मांग दे? खूबी इसमें ये गुलाबी चमड़ी, वाइट कपड़ी जी, एकदम फ्रेश। अच्छा नहीं, लोग मैं बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं कि भाई अरे अमजद भाई इतना प्राइस, वो भी राजस्थान में और हमारे इलाके में ही सस्ती मिल जा रही है। तो ये ऐसी चीज़ के तो पैसे लगेंगे ना साहब? चीज़ के तो पैसे लगेंगे। हाँ सोने के पैसे लगते हैं, चांदी के कम लगते हैं। माशाल्लाह, मैं यही मिसला देता हूँ, लोग समझते नहीं मेरी बात। तो शौक के पैसे तो शौक के तौर पे लगेंगे, चांदी के। बराबर बराबर बराबर। यूँ तो 5,000 में बकरी मिलती है जी। क्या बोले? यूँ तो 5 में बकरी मिलती है। हाँ अच्छा, दी हुई बकरी 5,000 में मिलती मिल जाती है। बराबर, वो भी बकरी है, ये भी बकरी है। बराबर बराबर है ना। बराबर बराबर, बकरी वो भी है, रेहू की बकरी मिलती है 5,000 में। बराबर बराबर, आपकी बात सही है, बरहक है, समझ सकता हूँ आपको। और अब की तो चारा महंगा हो रहा है ये तरफ से, मैं चारा महंगा हो रहा, मगर ये तो बरकत वाला काम है भाई। आप 100 रुपए भी खिला दे तो कोई नुकसान नहीं है बकरियों को, या आप 1,000 भी खिला देंगे कोई नुकसान नहीं है, जब हमारे आका फरमा दिए। खिलाता हूँ ज्यादा चारा, कम ही खिलाता हूँ, अनाज ज्यादा खिलाता हूँ। माशाल्लाह, वो ये तो रिकॉर्ड दिख रहा है आपकी बकरियाँ कितना मस्त, माशाल्लाह बहुत तैयार बकरियाँ आपकी तो, माशाल्लाह खूबसूरती बहुत है माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह चलिए अब सेल के जानवर दिखा देते हैं, जो भी भाई पसंद हो तो कांटेक्ट कर लेंगे। अंदर कर देता हूं, सेल वाली सब बाहर रख देता हूं। जी जी जी। आ रहे आ रहे। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये कहन मोहम्मद का भाई का शौक है,
खान साहब भी कहेंगे, ज़रा लंबा नाम है भाई का, बोलने नहीं आ रहा मुझे, ठीक है। हाँ खान साहब का शौक है ये, माशाल्लाह बहुत अच्छा शौक है। जो भी भाई ये लेना चाह रहा है, इंटरेस्टेड है सारी पट्टी भी, तो इंशाल्लाह खान साहब से पूछ लेंगे। खान साहब ये टोटल कितने नग है? ये तीन तीन नौ नग दिख रहे मेरे को तो, हाँ नौ नग है ना, नौ नग। अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो क्या पट्टी से दे दोगे आप ये नौ नग? करीबन 30,000 की पट्टी। कितने बोले? 30,000 रुपये की पट्टी। अगर से कोई भाई सिंगल सिंगल लेना चाह रहे तो भाई, अगर कोई जो भाई पसंद आया तो स्क्रीनशॉट लेके अगर डाल दे तो वो कितने में दोगे? कोई 32 की है, कोई 28 की है, कोई 30 की है, कोई 29 की है। अच्छा 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 अच्छा, कोई भाई अगर लेना चाह रहे हो स्क्रीनशॉट बनवा के अगर दे देंगे तो इंशाल्लाह सौदा हो जाएगा ना, इंशाल्लाह। दोस्तों देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी की बकरियाँ हैं, जो कि जिसको गुलाबी कहते हैं, गुलाबी का कलेक्शन है भाई के पास। तो ये जो ब्रीडर का जो है ना, इनके बाप वगैरह भी दिखाएंगे आप लोगों को, जो ब्रीडर से आए हैं ये भाई साहब के पास, इसका रिकॉर्ड भी है। तो इंशाल्लाह तला अच्छी चीज़ का शौक करें आप लोग, इस वजह से ही मेरी यही नीयत होती है, इसलिए मैं अच्छी से अच्छी चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। आप लोग ये बिलीव ना करें भाई, राजस्थान में सस्ता मिलता, कुछ भी सस्ता नहीं मिलता आज के दौर में, कुछ सस्ता नहीं है, सब महंगा है। महंगाई की तरफ से ये सस्ते है, क्योंकि भाई राजस्थान में बाहर से कुछ कमी मिलता है, ठीक है, ऐसी क्वालिटी। अब बाहर कंपेयर कर ले, देखो ऐसी क्वालिटी देखो, एकदम बहुत सेहतमंद, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। देखिए कितने सेहतमंद है, कितने अच्छी गुलाबियाँ हैं, माशाल्लाह एक नंबर क्वालिटी के बकरियाँ हैं सारी। देख कितने मस्ती कर रहे हैं माशाल्लाह। जो भाई मेरे चैनल पे है वो सब्सक्राइब कर ले, ठीक है, और अपना एकदम जेन्यून और फेयर फेयर काम रहता है दोस्तों, जो अपन है हकीकत बताते हैं। चलो हाफिज साहब, आपने आपके खान साहब आपके बकरे दिखा देते। अस्सलामुअलैकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये हुई ना शौक, क्या ब्रीडर है माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन। ये तो आपकी हाइट के लगभग है, झालर वगैरह पंच वगैरह बहुत अच्छा है। और इमरान भाई कैसा लगा आपको खान साहब का शौक? माशाल्लाह बहुत जबरदस्त लगा, बहुत अच्छा है ना जी जी। माशाल्लाह बहुत अच्छी क्वालिटी मेंटेन करे जी खान साहब ने, तो उस क्वालिटी के हिसाब से तो रेट अच्छा ही है हाफिज साहब के भी। खान साहब ये जो आपका शौक है माशाल्लाह, ये तीन तीन ब्रीडर रखने की वजह क्या है? अच्छा अच्छा अच्छा, स्टॉक में रखता हूँ। अच्छा अच्छा हाँ, तो अभी ये ब्रीडर को इस्तेमाल करें आप? ये इसी की है, ये बकरी जो जो पटे अभी देखा हूँ इसी की है सर, वो बच्ची इसी की, पूरे बच्चे इसी के। इसकी हाइट लेंथ बताए तो बाप की नस्ल भी वो लोग देख ले कि आने वाली नस्ल टाइम पे बच्चियाँ कैसी बनेंगी। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी लेंथ की है, देखो देखो दोस्तों, दो आप लोग फीमेल देखे फर्ज सेल के, इसके ही बच्चे आए सारे। ये बाप का रिजल्ट भी देखे आप, माँ को भी देखे। और ये वाइट आइज में हैदराबाद स्टाइल में है, ये तो वाइट आँख में। ये ब्रीडर ये तो अभी लाया हूँ 50,000 का नया। अच्छा माशाल्लाह, बच्चा लाए थे क्या हैदराबादी क्रॉस में? अच्छा अच्छा, शामिल लो इमरान भाई, शामिल लो ना आप इसको, छोटा था एकदम लेके आए। हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी चीज़ है। अभी छोड़ दीजिए इन तीनों को, बकरी क्या है सर? माशा क्या सीना है भाई बकरे का आपका, छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए, माशा बहुत गर्म है बकरे छोड़ दो माशा, शौक हो तो ऐसा हो भाई लोग। मैं भी यही बताना चाह रहा हूँ, सब लोग अच्छे से अच्छा शौक करें, अच्छी ब्रीड मेंटेन करें, ठीक है। और ये नबियों की सुन्नत है, हर किसी के घरों में बरकत आती है इस पालने की तरफ से, क्योंकि जो भी वबा और कोई अपने को मालिक पे आने से पहले जानवर ले लेते हैं अपने ऊपर, बराबर बोल रहा हूँ ना मैं? बहुत अच्छा लगा आपका शौक देखकर, बहुत खुशी हुई। सब भाइयों को मैं यही अपील करूँगा कि आपके तरह शौक करें, अच्छा शौक करें। बस इंशाल्लाह अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों,
और हाफिज़ साहब कुछ बात है क्या आपकी, कुछ कहना चाहोगे? अच्छा माल है, तुम भी ऐसा रखो। हाँ बिल्कुल, आपको भी शौक अच्छा लगेगा। बिल्कुल, प्योर सुजती माल रखो। जी 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 जी, ठीक है जी, जजाक अल्लाह। अगर कोई मांगते हैं आपके बकरियां वो पटे, तो आप कुछ भाव तौल कर दोगे ना? हाँ ठीक है, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो भी भैया कॉन्टेक्ट करे और परचेस करे अच्छी चीज़, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते फिर।